हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 76 मैथमेटिक्स का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर वो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स हूज प्रोडक्ट इज 24। निम्न में से दो पूर्णांकों के योग का न्यूनतम मान क्या है जिसका गुणनफल गुणांक 24 है। तो दोस्तों दो इंटीजर्स हैं ए और बी, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इनका जो प्रोडक्ट है अगर वो 24 है, तो कह रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स का अगर आप सम कर देते हो तो मिनिमम वैल्यू मिनिमम नंबर क्या निकल करके आएगा। तो दोस्तों अगर दो नंबर्स का मल्टीपल 24 है तो हमारे दिमाग में छूट तो जाता है 4 और 6। अगर 4 और 6 से मेरा 24 निकल करके आता है तो जो मेरे को 4 नीचे जो वैल्यू दे रखी है मिनिमम, ठीक है, उसके मुताबिक सम की बात कर रहे हैं कि मिनिमम सम क्या निकल करके आएगा। तो दोस्तों 6 और 4 को अगर मैं ऐड करूंगा तो जो सम है वो निकल करके आएगा कितना, 10। अगर मैं दोस्तों 8 और 3 मान लेता तो सम निकल करके आता है 11। लेकिन हमें क्या चाहिए, मिनिमम सम चाहिए। क्या चाहिए, मिनिमम सम चाहिए। अगर मैं 12 और 2 कर देता तो सम क्या निकल के आता, 14। तो ये तो बढ़ता जा रहा है यार, मेरे को तो मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम कब निकलेगा, जब 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी कि एक नंबर 4 और दूसरा नंबर 6, दोनों का प्रोडक्ट भी 24 हो गया और दोनों का जो योग है वो भी मिनिमम निकल करके आ गया। तो दोस्तों आपका आंसर होगा 10, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 को देखो दोस्तों, इसे हमें सोल्व करना और हमें बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर निकल करके आएगी। तो दोस्तों क्यूब रूट वालों को एक साथ कर लो और स्क्वायर रूट वालों को एक साथ कर लो, ठीक है। तो एक साथ लिख देते हैं, सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि इनको हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। इस टाइप को हम मिस नहीं करते, ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि वो ए बी हो जाता है अंदर, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट है तो कॉमन हो जाता है, क्यूब रूट है तो वो कॉमन हो जाता है, और जो अंदर के नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। जरा इस तरफ लिखना चालू करते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है ना, और स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 1/2। अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा कि ए रेस टू दी पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए रेस टू दी पावर एन, अगर बेस सेम हो, एक्सपोनेंट अलग हो, तो बेस एज इट इज रह जाता है कॉमन, और जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, सॉरी। तो अभी दोस्तों क्या करेंगे, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग है, ठीक है, घातांक जो है वो अलग है, तो बेस एज इट इज रह जाएगा जो आधार है, और जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे एज पर दिस रूल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 रेस टू द पावर 6, और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3, यानी कि 6 की पावर जो है 5 बाय 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 रेस टू द पावर 5 बाय 6, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सिंपल है, इजी है। देखिए जरा हमारे क्वेश्चन नंबर 78 को फिर, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 फ्रेंड्स, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर कह रहे हैं इन व्हाट टाइम ₹8,000 विल अमाउंट टू 9,261। अमाउंट कितना हो जाएगा, 9,261। कितनी धनराशि इन्वेस्ट होगी, कितना प्रिंसिपल, 8,000 रुपए। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 8,000 रुपए कितने वर्षों में 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से, when the interest is compounded half yearly, ठीक है। तो 8,000 रुपए कितने वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,261 रुपए हो जाता है यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। तो दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है अमाउंट का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 plus rate of interest divided by 100 into n या फिर टी, जो भी लिखते हो आप। एन या टी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी कितने समय में कंपाउंडिंग हो रही है। तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% सालाना का मिल रहा है, लेकिन कंपाउंडिंग हर 6 महीने में हो रही है। अगर हर 6 महीने में कंपाउंडिंग हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, और जो फ्रीक्वेंसी है वो साल में 2 बार हो रही है ना, साल में 2 बार ऐसा हो रहा है, ठीक है। एन लिख रहे हैं, टी लिख रहे हैं, की बात है, अगर आप टाइम के लिए टी लिखते हैं, टी लिख रहे हो। तो अमाउंट कितना दोस्तों, 9,261। कितने रुपए 9,261 बन गए, 8,000 रुपए। कब, जब 5% का इंटरेस्ट हर 6 महीने में मिला चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पे, और साल में दो बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ,
ठीक है, हमें दोस्तों यहाँ पे टी निकालना है, हमें टाइम पीरियड निकालना है कि कितने समय में ऐसा हो गया। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 9261 के अपॉन में ले लो 8000 को यार, है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, 5 के पार से काट दो तो जरा 1/20, तो एलसीएम ले लेते हैं तो आगे 21/20 की पावर ये 0 है, ठीक है, की पावर 2t। अच्छा 9261 जो है वो 21 की क्यूब होता है और जो 8000 है वो 20 की क्यूब होता है, तो 21/20 होल की क्यूब बराबर 21/20 की पावर 2t। अब दोस्तों ये सेम है बेस, तो जो पावर्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो 3 = 2t, तो आपका जो टी है वो आ गया 3/2 ईयर्स, और 3/2 ईयर्स का मतलब क्या है, डेढ़ साल, है ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेढ़ साल। तो दोस्तों डेढ़ साल लगा 8000 रुपये को 9261 रुपये होने में, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हुई। तो जैसे ही 3 बार कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, डेढ़ साल के अंदर अमाउंट 9261 पहुंच गया। तो दोस्तों देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 79 को, क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर दोस्तों, कह रहे हैं ट्रेडर बाइज गुड्स एट 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ठीक है, लेट कर लेते हैं भाई ये जो भी मार्क प्राइस है ट्रेडर के लिए ये 100 रुपए था, तो 20% का डिस्काउंट का मतलब कितने का पड़ गया ट्रेडर को, 80 रुपए का पड़ गया, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ ही वॉन्ट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% आफ्टर अलाइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा ट्रेडर है, जो हमारा यहाँ पे व्यापारी है, वो 25% का मुनाफा कमाना चाहता है अपनी लागत मूल्य पे, अपने कोस्ट प्राइस पे, तो अगर 80 रुपए की चीज उसे पड़ी आफ्टर 20% डिस्काउंट और उसे 25% पैसे उस पर कमाना है, तो कितने की उसे चीज बेचनी पड़ेगी, 100 रुपए की बेचनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे निकाला मैंने, मैंने 80 का जो है 125% कैलकुलेट कर लिया कितना निकल जाएगा, तो ये कितना है, ये 125% है किसका, 80 रुपए का, ठीक है, कितना निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई व्हाट परसेंट शुड हिज मार्क प्राइस पे ग्रेटर देन दी ओरिजिनल मार्क प्राइस, ओके एक बार हिंदी में क्वेश्चन को दोस्तों पूरा पढ़ देता हूं। कह रहे हैं एक व्यापारी वस्तुओं को अंकित मूल्य के 20% की छूट पर क्रय करता है, ठीक है, तो 100 रुपए की अगर मान लो मार्क प्राइस था, 20% की छूट का मतलब जो है 80 रुपए की चीज को पड़ गई, उसकी लागत जो है 80 रुपए हो गई। फिर कह रहे हैं यदि वह 20% छूट के पश्चात भी 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो दोस्तों अभी ये 20% को साइड में रखो, वो 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है अपनी जो भी उसकी कॉस्ट है, जो भी उसकी लागत है, यानी कि उसको 100 रुपए का बेचना पड़ेगा, लेकिन 100 रुपए का बेचने के लिए उसको 20% की छूट भी दिखानी है कस्टमर को। तो दोस्तों मार्क प्राइस क्या होगा इस वाले ट्रेडर का, देखो 100 रुपए की मुझे मान लो चीज बेचनी है, ठीक है, 20% का डिस्काउंट दिखाने के बाद, तो कैसे निकालूंगा मार्क प्राइस, ऐसे निकालूंगा मार्क प्राइस, ठीक है, ये क्या है मेरा, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या होना चाहिए मेरा, 100/80 × 100, ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा, 20 के पारे से काट दो, 4 पे कटेगा, 5 पे कटेगा, फिर 4 से जो आपका 100 है वो करता है 25 पे, तो दोस्तों आपका मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा 125 रुपए, यानी कि आपको आपकी 80 रुपए की चीज को 125 का दिखाना पड़ेगा, ताकि 20% की छूट देने पर भी आपकी जो चीज है वो 100 रुपए की बिक जाए और आपका 25% का लाभ अर्जित हो जाए, आपको 25% का प्रॉफिट हो जाए, बात समझ में आई, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को देखो दोबारा पढ़ते हैं, कह रहे हैं बाय व्हाट परसेंट शुड हिज मार्क प्राइस ठीक है, तो उसका जो अंकित मूल्य है वो वास्तविक अंकित मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, तो दोस्तों वास्तविक अंकित मूल्य ओरिजिनल मार्क प्राइस 100 था, इसका जो मार्क प्राइस है वो 125 है, तो इसका जो मार्क प्राइस है वो कितना अधिक है, कितना ज्यादा है ओरिजिनल वाले से, 25% ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड हमारे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 80, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर हमें कह रहे हैं दी पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 544 सेंटीमीटर, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 5/6 टाइम्स द बेस, सामने आप फिगर को देखो, कह रहे हैं जो इक्वल साइड्स हैं, जो समान भुजाएं हैं, वो जो है वो 5/6 गुना है साइड जो हमारी है, जो आधार है उसका 5/6 टाइम्स है, ठीक है। कह रहे व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा,
दोबारा पढ़ता हूँ एक बार, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 544 सेंटीमीटर। तो दोस्तों पेरीमीटर क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, देखो जो हमारे इक्वल साइड्स हैं वो दोनों क्या है ए, और जो अनइक्वल साइड है वो क्या है बी, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2a + b, किसके बराबर हो जाएगा 544 के, ठीक है। और जो ए है वो 5/6 गुना है बी का, ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए और बी निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसे लगा देंगे और वहां सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ये थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन को हमेशा जब भी पेपर में आए तो थोड़ा इसको बाद के लिए छोड़ दे करो। तो दोस्तों पेरीमीटर क्या दे रखा है हमें, 2a + b हो जाएगा हमारा पेरीमीटर, क्यों, क्योंकि साइड 1 साइड 2 प्लस साइड 3 है ना, तो 2a + b कितना दे रखा है 544, और a किसके बराबर है 5/6 टाइम्स ऑफ b के, करेक्ट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आ गया 5b की अपन में 3 + b = 544, ये हो जाएगा 8b/3 = 544। तो यहाँ पे सॉल्व करना चालू करेंगे, देखते हैं किससे कर सकता है ये, 4 से भी काट सकते हैं इसको, 4 से ठीक रहेगा, 4 से काट देते हैं, 4 से जो 8 है वो 2 पे कटेगा, ये हो जाएगा 1, 3, 12, 24, 6, है ना। फिर एक काम करो 136 को भी 2 से काट दो, तो ये हो जाएगा 16, 68, तो बी आ जाएगा 68 × 3 यानी कि 180 और 24 यानी कि 204, तो बी निकल करके आ गया 204। दोस्तों थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो बीच में मैं कुछ चीज मिस कर दूंगा, वो आप अपने आप सोल्व कर लेना, मैं आपको जो एग्जैक्ट से करना कैसे है मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। तो बी क्या निकल करके आ गया 204। अगर दोस्तों बी 204 है तो मेरा ए कैसे निकलेगा, 5/6 टाइम्स ऑफ बी यानी कि 5/6 टाइम्स ऑफ 204, ठीक है, 6 के पारे से काट लो, 6 × 3 = 18, 24, 24 चार पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 और 170। तो दोस्तों ए क्या निकल के आ गया 170। अब फ्रेंड्स हमने साइड्स निकाल ली, जो इक्वल साइड है वो कितनी है 170 और 170, और जो अनइक्वल साइड है वो कितनी है 204। अब हमसे पूछा क्या, कह रहे एरिया निकालो इस वाले ट्रायंगल का, तो दोस्तों एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के, सोचो एक बार, रिमाइंड करने की कोशिश करो, b/4 बी यानी कि अनइक्वल साइड, ठीक है, अब अंडर रूट में 4a² - b² आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों बोला था कि कुछ इस टाइप आप अपने कर लेना, लेंथी हो जाएगा, है ना, 204/4 और अंडर रूट में 4 × a² साइड a कितनी है 170, तो 170 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 204, तो 204 का स्क्वायर, ठीक है। फिर दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे, अब ये पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, सोल्व आप खुद करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा 13,872 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि हर चीज हमारे पास सेंटीमीटर में ही अवेलेबल थी, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13,872 सेंटीमीटर स्क्वायर। है इजी फ्रेंड्स, मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन है ना वो होते इजी है, अगर आपको वो समझ में आ जाए ना प्रॉपर, होते वो इजी है बस, लेकिन मेंसुरेशन के अंदर ना सॉल्व करना पड़ता है काफी, तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन को आप एंड के लिए रख ले करो, अगर तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है फटाफट हो जाएगा तो बात खत्म हो, वैसे आप क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर रखिए अपने अच्छी तो आप तुरंत पहचान लोगे कि टाइम लगेगा या जल्दी हो जाएगी चीज़, है ना। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 81 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर कह रहे हैं इन ट्राइंगल ABC, आपके सामने ट्राइंगल बना हुआ है ABC, उसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो D एंड E आर द पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। D और E जो है वो बिंदु है साइड भुजा AB और BC पर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आगे कह रहे हैं ये जो पॉइंट्स हैं ये इस तरीके से हैं कि जो DE है वो आपके AC के पैरेलल है, मतलब ये जो DE है ये पैरेलल है AC के, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं अगर AD और DB की जो अनुपात है वो 3:2 है, अगर AD और DB का जो अनुपात है वो 3:2 है इन साइड्स का, ठीक है, तो वो कह रहे हैं बताओ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACED, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACED टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत ईजी, ठीक है, सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होगा, बहुत सिंपल है ये। तो हिंदी वालों के लिए एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, कह रहे हैं ट्राइंगल ABC में D और E भुजा कर्मशः है AB और BC के ऐसे बिंदु हैं कि DE पैरेलल AC और AD is to DB का जो अनुपात है वो 3:2 है, ठीक है, AD is to DB का जो अनुपात है वो 3:2 है। कह रहे समचतुर्भुज ACED, मतलब ये जो ट्रेपीजियम है ये
इसका अनुपात ट्रायंगल BED के साथ, इसका अनुपात ट्रेपीजियम का अनुपात एरिया ऑफ BED ट्रायंगल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो आपका ट्रायंगल है ऊपर वाला BDE, इसको आप समान मान लो इस पूरे ट्रायंगल ABC के साथ, और सिमिलैरिटी आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है ना कि सब्जेक्टिव है ना, आपको कुछ एक्सप्लेन करके नहीं दिखाना वहाँ पे, आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले इस टाइप के, आपको आंसर निकालने उससे जो मिलेगी। तो BDE को जो है आप ABC के साथ सिमिलर मान लो, ठीक है। फिर अगर ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो दोस्तों क्या हो जाता है, एरिया जो होता है दोनों ट्राइंगल्स का वो साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर होगा, साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो BDE की कौन सी साइड दूंगा, जो मेरे पास जिसका डाटा अवेलेबल है, क्या BT और ये वाली साइड ट्राइंगल ABC की पूरी की पूरी यानी कि AB, ठीक है, इन दोनों के अनुपात का स्क्वायर, ओके यही होता है ना। फिर BD कितना दे रखा दोस्तों मेरे को, BD कितना बताया गया था अनुपात में 2, और AB कितना बताया गया था मेरे को, AD बताया गया था 3, तो AB कितना हो जाएगा टोटल 5, क्यों, क्योंकि AB तो ये पूरा है ना, तो AB कितना हो जाएगा 5, और BD कितना है सिर्फ 2, तो 2 के बटे में 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 के बटे में 25। यहां तक बात होगी, 4 के बटे में 25। अब एक काम कर लो, इसका जो है ना रिवर्स कर लो, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को ऊपर ले आओ, वो भी आप समझ जाओगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BD को नीचे कर दो, है ना। अभी बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो 4 के बटे में 25 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 25 के बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो ट्राइंगल ABC है वो दो पार्ट्स का बना हुआ है, किस किस का, ट्रेपीजियम प्लस ट्राइंगल BDE का, ट्रेपीजियम प्लस ट्राइंगल BDE, इन दो को मिला करके बना ट्राइंगल ABC। तो क्या ट्राइंगल ABC की जगह मैं लिख सकता हूँ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADEC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE लिख सकता हूँ ना, ठीक है, और नीचे एज इट इज रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके बराबर है, 25 के बटे में 4 के बराबर है ना। अब एक काम करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, जरा एरिया ऑफ PDE को इसके साथ नीचे ले लेते हैं और ऐसे ही इसके साथ नीचे ले लेते हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे बाद में, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा, एरिया ऑफ ADEC यानी कि ट्रेपीजियम और अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE प्लस इसके अपॉन में भी ये चीज आएगी, आपस में कट के वन रह जाएगा, इज इक्वल टू 25 के बटे में 4, ठीक है दोस्तों। फिर ये जो प्लस का 1 है ये इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 के बटे में 4। तो दोस्तों निकल गई हमारी ये चीज, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACED, ठीक है, ACED लिख देते हैं, ACED के अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE का अनुपात कितना निकल आया, 21:4। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 81 का, 21:4, ठीक है, सिंपल ही है दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे तो सब आसान लगने लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 82 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 बहुत इजी है, ठीक है, वन लाइनर टाइप का है। कह रहे हैं कि एक टब है, उसको एक नल टी घंटों में भरता है, और उस टब के नीचे दोस्तों एक लीकेज है, एक सिंक है, वो क्यू घंटों में पूरे टब को खाली कर देता है। तो कह रहे हैं अगर टंकी दोनों को एक साथ चालू कर देने पे, ठीक है, मतलब नल और सिंक दोनों एक साथ चालू हैं, तो टंकी अगर आर घंटे में भरती है तो बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो दोस्तों जो टंकी है, जो टब है, उस टब को एक जो नल है, ठीक है, वो पी घंटे के अंदर भरता है, पी घंटे के अंदर भरता है, तो उसका मतलब ये है कि हर एक घंटे में इतना हिस्सा भर देता होगा, करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन में एक चीज और देखिए कि P = Q, तो हर एक घंटे में दोस्तों इतना हिस्सा भर देगा टंकी का, करेक्ट है। अब मान लो यहाँ पे एक लीकेज है जिससे पानी बाहर निकलता है, ठीक है, वो क्यू घंटे के अंदर पूरे टब को खाली कर देता है, तो हर एक घंटे में दोस्तों वो कितना हिस्सा खाली कर देगा, 1/Q, ठीक है। अब अगर नल और ये सिंक एक साथ चालू है तो दोस्तों आर घंटे के अंदर टब पूरा फिल होता है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, ये क्या है, क्यू खाली करने का काम करता है, मतलब नेगेटिव वर्क करता है, इसलिए बीच में क्या आएगा, माइनस, और आर घंटे के अंदर पूरा टब जो है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता, भर जाता है, ठीक है, पूरी जो टंकी है, पूरा जो टब है वो आर घंटों के अंदर भरता है, तो यहाँ पे 1/r हो जाएगा, ठीक है, ये बनेगी हमारी इक्वेशन। तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल है ना।
क्वेश्चन नंबर 83, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर कह रहे हैं एक आदमी है, वो अपनी आधी जो यात्रा है, ठीक है, मान लेते हैं ये उसकी यात्रा है पूरी, और इसका जो आधा हिस्सा है यात्रा का वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर करता है, और जो बाकी का आधा है दोस्तों वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो उसको कवर करता है। कह रहे बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, उसकी औसत गति क्या होगी। इससे पहले वाला जो पेपर था उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, जब इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाए और अगर मान लो ये एक्स है स्पीड, ये वाई है, तो जो एवरेज स्पीड औसत गति का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है 2xy के अपॉन में x प्लस y, ठीक है। तो पहली स्पीड कितनी है, पहले जो आधा जो डिस्टेंस कवर किया उसकी स्पीड है 6, तो 2 × 6, और जो बाकी का आधा इक्वल डिस्टेंस है उसकी स्पीड क्या है 3, है ना। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 6 + 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 × 6 × 3 के अपॉन में 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। दोस्तों 3 के पारे से 9 कितने पे कटेगा 3 पे, और 3 से 6 कितने पे कटेगा 2 पे, तो जो एवरेज स्पीड है कितनी निकल आएगी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 4 किलोमीटर प्रति घंटे जो है औसत गति निकल करके आएगी। अगर दोस्तों तीन दूरी तीन डिस्टेंस होते एक बराबर तो फॉर्मूला हो जाता 3xyz, ठीक है, जहाँ पे x पहले वाले d की स्पीड होती, पहले वाले डिस्टेंस की, y दूसरे वाले की, और z तीसरे वाले की, तो फॉर्मूला आपका बन जाता ये एवरेज स्पीड निकालने का, ठीक है। अगर तीन दे रखा तो बता रहा, फिलहाल दो ही दे रखे हैं, दो इक्वल डिस्टेंस दे रखे हैं और दो स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर दोस्तों कह रहे हैं एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, वो अपने घर से चलता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो स्कूल की ओर जा रहा है, और जब दोस्तों 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो स्कूल पहुंचने में वो 6 मिनट लेट हो जाता है, मतलब जो भी टाइम है टी उसमें 6 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। अगले दिन दोस्तों इस कारण से वो लेट हो गया था, उसने अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया, ठीक है। पिछले दिन 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया था, आज 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो आज 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, तो दोस्तों जो टाइम टी था, जो एक्चुअल टाइम था, उससे 6 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो कह रहे हैं बताओ स्कूल का डिस्टेंस कितना है घर से, ठीक है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका शॉर्टकट होता है सीधा सीधा, यार देखो हमें उसके घर से उसके स्कूल की दूरी निकालनी है डी, तो डी कैसे निकलता है, देखो दोनों जो स्पीड है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों स्पीड्स का डिफरेंस ले लो, और जो टाइम के डिफरेंस आ रहे हैं दोनों को आपस में उनका सम टोटल देख लो, क्योंकि एक जो टाइम है वो नेगेटिव है, ठीक है, जल्दी पहुंचा अगली पहुंचा, और एक टाइम लेट है तो वो प्लस है, तो ओवरऑल दोनों के बीच में देख लो कितना डिफरेंस है, मतलब 6 मिनट पहले पहुंचा सेकेंड डे और पहले दिन 6 मिनट लेट पहुंचा था, तो टोटल टाइम का डिफरेंस कितना है 12 मिनट्स, ठीक है। अगर इसे आर्स में कन्वर्ट करना तो कैसे करूंगा, 12 × 60 आर्स, है ना। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पहली स्पीड क्या है दोस्तों, पहले दिन कितनी स्पीड से गया 2.5 किलोमीटर की, अगले दिन स्पीड 1 किलोमीटर बढ़ गई, तो मतलब कितनी होगी 3.5, ठीक है। तो 3.5 - 2.5 स्पीड 2 - स्पीड 1, और टाइम के अंदर कितना डिफरेंस है 6 मिनट जल्दी पहुंचा सेकंड डे और पहले दिन 6 मिनट लेट पहुंचा था, ठीक है। तो 12 मिनट का डिफरेंस है, 12 मिनट का मतलब 12 × 60 आर्स, 12/60 आर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये किलोमीटर पर आ रहा है और ये आर है, तो हमारी जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल ठीक यूज हो रही है, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान जरूर रखना, नहीं तो फिर आप अटक जाओगे, फिर आप सोचोगे यार क्या गड़बड़ हो गई, आप उसको रीचेक करोगे और अपना कीमती टाइम गवा दोगे, ठीक है दोस्तों, फिर पूरा साल खराब हो जाता है ऐसे करने से, नहीं तो, ठीक है। तो 3.5 में से 2.5 गया, तो दोस्तों नीचे तो 1 रह गया है ना, ऊपर क्या है 2.5 × 3.5, और 12 × 60 का मतलब क्या है 1/5, करेक्ट है। तो जहां से इन डेसिमल को हटा दो दोनों को यार, 25 × 35 नीचे कितना है 5, और 2 डेसिमल हटे तो नीचे क्या गया 100, अब 25 से 100 कट जाता है 4 पे, और 5 से 35 कट जाता है 7 पे, तो जो दूरी है स्कूल की उसके घर से निकल के आती है 7/4 किलोमीटर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये शॉर्टकट लगा दो फटाफट हो जाएगा काम। अगर इसे नहीं लगाओगे, अगर आप वैसे ही इक्वेशन बनने की क्रिएट करोगे, इक्वेशन भी बन जाएगी लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना। तो दोस्तों जो 7/4 है वो आपके ऑप्शन बी होगा, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर है 7/4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर वो कह रहे हैं अगर एक ट्राइंगल का एरिया
जिसका जो बेस है, जिसका जो आधार है वो 12 सेंटीमीटर है, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो बराबर है एक स्क्वायर के एरिया के, जिसकी साइड, जिसकी भुजा जो है 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो दोस्तों एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, ठीक है, बेस हमें गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यानी कि जो भी एल्टीट्यूड है ट्राइंगल का उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, है ना, साइड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारा जो स्क्वायर होता है उसका एरिया निकल आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हाइट क्या हमें निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि बताओ एल्टीट्यूड क्या होगा ट्राइंगल का, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, तो बताओ इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ से ऊंचाई निकल जाएगी, ठीक है, साइड कितनी है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो इस 12 से एक 12 यहाँ पे कट जाता है, और दोस्तों जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो जाती है 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला जो 2 है वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया, तो हाइट कितनी निकल आती है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ऑप्शन बी होगी आपकी 24 सेंटीमीटर। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 की, क्वेश्चन नंबर 86 तो दोस्तों बहुत ईजी सा है, ठीक है। कह रहे हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, बाहर स्पर्श करते हुए दो वृत्तों पर कितनी सार विस्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दोस्तों जब दो सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं तो तीन कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं, कितने बनते हैं, तीन कॉमन टेंजेंट्स। जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो कितने टेंजेंट बनते हैं, 1 2 3, कितने बनते हैं, तीन कॉमन टेंजेंट्स बन जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 87 की, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 जो है ये अपना वन लाइनर टाइप का ही है, कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, किसी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो सर्कम रेडियस होता है, जो बाह्य त्रिज्या होती है, वो हमेशा दुगनी होती है इन रेडियस की, दुगनी होती है अंतः त्रिज्या की, ठीक है। सर्कम रेडियस हमेशा डबल होगा इन रेडियस के कंपैरिजन में इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले केस में, ठीक है। तो जो बाह्य त्रिज्या हमेशा दुगनी बड़ी होगी अंतः त्रिज्या से, तो अगर हमें इन रेडियस और सर्कम रेडियस की रेशो पूछ ली जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले केस में, तो क्या बताया था मैंने, सर्कम रेडियस हमेशा दुगना बड़ा होगा अगर इन रेडियस बने तो, सर्कम रेडियस 2 हो जाएगा, ठीक है, डबल होता है इससे, तो आपका जो आंसर है वो जाएगा 1:2, ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर कह रहे हैं अगर एक्स की वैल्यू 11 है, अगर x की वैल्यू 11 है तो बताओ इस पूरे की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, x की पावर 5 माइनस 12 x की पावर 4 प्लस 12 x के क्यूब माइनस 12 x का स्क्वायर प्लस 12 x माइनस 1। अब दोस्तों देखने में तो क्वेश्चन बड़ा खतरनाक लगता है लेकिन है नहीं एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे जरा एक काम करो, x की वैल्यू कितनी बोली है 11, अच्छा जरा 11 रखते हैं फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो 11 की पावर 5 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 4 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 3 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 की स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 माइनस 1, ठीक है। अभी वैल्यू निकाल लेंगे, फिकर ही मत करो। 11 की पावर 5, 12 को मैं लिख सकता हूँ 11 प्लस 1, करेक्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर 12 को क्या लिख सकता हूँ, 11 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 11 की क्यूब माइनस 11 प्लस 1 लिख दिया 12 को, ठीक है ना, इंटू 11 का स्क्वायर प्लस इस वाले 12 को फिर से लिख दिया 11 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 11 माइनस 1, ठीक है। दोस्तों अब जरा ये जो बाहर पावर्स हैं इन्हें जरा अंदर मल्टीप्लाई करते चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 की पावर 5 माइनस, दोस्तों ये वाला 11 जब 11 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 11 की पावर 5, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 4 क्या हो जाएगा, प्लस 11 की पावर 4। 11 को जब 11 की क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 की पावर 4 आ जाएगी, फिर जब 1 को 11 की क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 का क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, 11 को मल्टीप्लाई करूंगा 11 के स्क्वायर से तो माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस का साइन और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 11 का स्क्वायर तो माइनस का 11 का स्क्वायर आ जाएगा।
यहाँ पे 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 मतलब प्लस का 11 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज 11 माइनस 1। सिर्फ इतने से क्वेश्चन पे ध्यान देना क्योंकि बाकी सारा का सारा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का 11 स्क्वायर माइनस का 11 स्क्वायर आपस में कैंसिल, प्लस का 11 माइनस का 11 आपस में कैंसिल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक चीज अपनी गलत हो गई कि यहाँ पे जो माइनस का साइन है ना, तो जब प्लस का 1 11 की 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 की 4 और बाहर वाला माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 11 का 4 प्लस के 11 के 4 से कैंसिल, फिर प्लस का 11 की पावर 5 और माइनस का 11 की पावर 5 आपस में कैंसिल, तो हमारे पास घूम फिर के क्या बच गया, 11 माइनस 1। तो 11 माइनस 1 क्या होता है, 11 माइनस 1 होता है 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। अब आपकी जिस भी ऑप्शन से ये आंसर 10 मैच करता है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, और देखना ऑप्शन बी होगी शायद, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 89 को देखें दोस्तों, हमारे क्वेश्चन नंबर 89 को हमारे पास नीचे स्पेस है, ये यहीं कहीं हो जाएगा। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कह रहे हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्या दे रखे इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे कि ए जीरो के बराबर नहीं है, बी जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन जो सी है यानी जो कांस्टेंट होता है दोस्तों वो जीरो के बराबर है। कह रहे हैं बताओ ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो सीधी रेखा है, यह किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ये किस पॉइंट से होती हुई गुजरेगी। तो दोस्तों किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर ये जो कांस्टेंट होता है ये डिसाइड करता है कि रेखा जो है किस पॉइंट से होकर गुजरेगी। तो अगर ये सी जीरो हो जाए, अगर ये सी जीरो हो जाए तो रेखा ओरिजिन से होकर गुजरती है। तो ये रेखा ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, जहां पे कि सी भी जीरो है, ठीक है। तो कहां से गुजरेगी, ओरिजिन से होती हुई गुजरेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जीरो एंड जीरो। क्यों गुजरेगी यहां से, क्योंकि देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या है, जीरो, जहां पे कि सी आपको ऑलरेडी जीरो दे रखा है, और ये दोनों बिंदु उठा लो एक्स और वाई। तो अगर आपका x 0 है तो a मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस y भी 0 है, तो b मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस c तो 0 है ही, और देख लो सारा का सारा 0 के इक्वल आ ही रहा है, ठीक है। तो कहां से गुजरेगा, 0 और 0 वाले पॉइंट से गुजरेगी ये वाली रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 90 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर कह रहे हैं कि अ वर्टिकल पोल ए बी, एक वर्टिकल पोल है कौन सा, ए बी, ठीक है, इज स्टैंडिंग एट द सेंटर बी ऑफ अ स्क्वायर पी क्यू आर एस। एक स्क्वायर है दोस्तों पी क्यू आर एस, उसके सेंटर, उसका सेंटर पॉइंट क्या है, बी। तो बी पर हमारा जो ए बी है एक पोल है, ठीक है। कह रहे हैं अगर पी आर सबस्टेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द टॉप, अगर पी आर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है इस पोल के टॉप पे, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कौन, पी आर, पी आर क्या है डायगोनल, ठीक है। तो कह रहे हैं देन द एंगल सबस्टेंडेड बाय द साइड ऑफ द स्क्वायर एट ए इज, तो ये बताओ कि जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है, कोई भी जो एक भुजा है वो पॉइंट ए पर क्या एंगल बना रही होगी। तो चलो इस साइड को ले लेते हैं पी क्यू, हमें ये बताना है कि जो पी क्यू है साइड वो यहाँ पे ए पर टॉप पे क्या एंगल बना रही होगी, ठीक है। हिंदी वालों के पढ़ते तो कह रहे हैं वर्ग पी क्यू आर एस के केंद्र बी पर एक लंबवत खंभा ए बी है, यदि पी आर खंभे के शीर्ष ए पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वर्ग की भुजा द्वारा ए पर कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। दोस्तों ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, ना कि सब्जेक्टिव, जो आपको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बस एक बात समझ लो, ऐसे वाले केस के अंदर जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो अगर स्क्वायर की साइड मान लो ए है, ठीक है, तो ये जो हमारी साइड है पी क्यू ये भी ए होगी, जो ए पी है वो भी ए होगा, और जो ए क्यू है वो भी ए के बराबर होगा, साइड ए बराबर होगा। तो दोस्तों ये जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, और आप जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री का एंगल होता है हर एक। तो जो साइड पी क्यू है वो पॉइंट ए पे कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 91। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर कह रहे हैं टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप एक चीज जरा ध्यान में रख लो कि कभी भी ए 10 की पावर अगर इवन नंबर हो, है ना, 2n, 2n का मतलब क्या, इवन नंबर,
10 की पावर कभी भी इवन नंबर हो, और जो थीटा है इन्होंने एक्स लिखा है तो हम यहाँ पर भी थीटा ही लिखेंगे, प्लस बी कोट की पावर भी इवन हो, सेम पावर हो, थीटा एंगल भी सेम हो। तो दोस्तों इस वाले केस में कभी भी अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो वो निकलती है ऐसे, 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है। ए और बी क्या है, जो आगे कॉन्स्टेंट नंबर हमें दे रखा है। तो दोस्तों इस वाले केस में ए और बी क्या हो जाएंगे, दोनों क्या है, 1 है, और पावर क्या है, पावर इवन है। तो कैसे निकलते हैं मिनिमम वैल्यू, 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट में ए मल्टीप्लाइड बाय बी, तो ए क्या है 1 और बी क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो कितना निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन बी, इजी है। देखें दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन को, बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 92 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर कह रहे हैं द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नंबर मैं भी लिखता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का अंक गणितीय माध्य क्या होगा, तो दोस्तों आपको इन्होंने दे रखे हैं नंबर 1, 2 दे रखा है 2 बार, 3 दे रखा है 3 बार, 4 दे रखा है 4 बार, 5 दे रखा है इन्होंने 5 बार, 6 दे दिया 6 बार, और फिर 7 दिया इन्होंने 7 बार। तो दोस्तों ये टोटल जो नंबर है ना, ये है 28, और अरिथमेटिक मीन ए एम लिख रहा हूँ शॉर्ट में, अरिथमेटिक मीन मतलब आपका अंक गणितीय माध्य, कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, 1 × 1 × 2 × 3 × 3 × 4 × 4 × 5 × 5 + 6 × 6 + 7 × 7, और अपोन में टोटल नंबर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर्स उससे कितने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। कैसा ये मैंने आपको बताया, टोटल जो नंबर है दोस्तों वो 28 है, ठीक है। तो जो भी सम टोटल होगा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ न्यूमरल्स, उससे आपका क्या निकल के आएगा, अरिथमेटिक मीन। तो दोस्तों इस सब को जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 28। अब दोस्तों जरा इन सब का सम करो एक बार, क्या निकल के आएगा, 9 और 1 कितना होता है 10, 4 और 20 कितना होता है, 4 और 16 कितना होता है 20, तो 20 और 10 तो यही हो गया 30, 30 और यहाँ पे 25, 55, अब क्या आएगा 55, 36 और 49, ठीक है। ये आपका निकल आएगा 140। तो दोस्तों 140 डिवाइडेड बाय 28, 28 के पहाड़े से 140 कितने पे कटेगा, 14 के पहाड़े से काट लो नहीं तो 14 के पहाड़े से 28 कटेगा 2 पे, और 140 कटेगा 10 पे, फिर 2 के पहाड़े से 10 कट जाएगा 5 पे। तो दोस्तों जो आपका अरिथमेटिक मीन है वो निकल करके आ जाएगा 5, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 5। ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर कह रहे हैं कि एक आदमी 7.5% अपने पैसे को खर्च कर देता है, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो आदमी 100 रुपए कमाता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 7.5% खर्च कर देता है, यानी कि 7.5 रुपए खर्च कर देगा, तो कितने रुपए बचे, 52.5 रुपए। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फिर जो बचा उसका 75% भी वो खर्च कर देता है, और तब जो बचता है वो है 370 रुपए। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, ये कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि भाई जो वो जो भी टोटल उसका पैसा है उसमें से 7.5% खर्च कर देता है, तो अगर 100 रुपए हमने लेट करा तो 7.5 रुपए वो खर्च कर देता है, तो दोस्तों हमारे पास कितने रुपए बचे, 92.5 रुपए। अब दोस्तों ये बचे हुए पैसों में से भी 75% पैसा उड़ा देता है बंदा, बड़ा खतरनाक, ठीक है, सेविंग्स करता ही नहीं है वो, ठीक है। अब 25% पैसा उसका रह गया लास्ट में, हो सकता है उसको बोला जाए वो बाद में, तो कितना रह गया, 25% पैसा रिमेनिंग रह गया। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो दोस्तों 92.5 को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा निकल करके आएगा कुछ 23 रुपए 10 पैसे के बराबर। अब ये इकलौता पैसा है जो बच गया उस बंदे के पास, ठीक है। क्वेश्चन को अब हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं मैन स्पेंड 7.5% ऑफ हिज मनी and after spending 75% of the remaining he had rupees 370 left, मतलब जो 75% जो है शेष का वो भी खर्च कर देने के बाद जो 25% रह गया शेष का
वो 370 के बराबर है, तो हाउ मच मनी डिड ही है, तो ये बताओ कि शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था। तो दोस्तों जब हमने 100 लेट करा तो हमारा आंसर निकल के आया 23 रुपये 10 पैसे, जबकि क्वेश्चन के मुताबिक बचना चाहिए था 370 रुपये। अगर 23.10 को हम 16 से गुणा कर दें तो ये तकरीबन कहूँगा क्योंकि 369.6 ऐसा कुछ आएगा, तकरीबन 370 के बराबर है। तो अगर हमारा 23.10 निकला और इन्होंने 370 बताया बची हुई राशि को, तो हमें हमारे वाले को 16 से गुणा करना पड़ा, इसलिए जो हमने लेट किया था उसको भी हमें 16 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1600 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों 1600 रुपये उस बंदे के पास थे, उसने इसमें से 7.5% पैसा खर्च किया, फिर जो बचा ना उसके पास, जो भी बचा हमें पता नहीं अभी क्या बचा, ठीक है, जो भी बचा उसका भी 75% अगले ने उड़ा दिया, तो इस बचे हुए पैसे का जो 25% था वो 370 रुपये था। हमने 100 लेट कर लिया आसानी के लिए, फटाफट हम पहुंच गए 23.10 तक, क्वेश्चन के मुताबिक था 370, दोनों के बीच में फासला था 16 के मल्टीपल का, तो जब हमारा जो आंसर आया उसको 16 से मल्टीप्लाई करा तो 370, इसलिए जो हमने लेट किया था उसको भी 16 से गुणा करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसके पास कितना पैसा था, तो उस बंदे के पास 1600 रुपये थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर कह रहे हैं दिस सम 5 की क्यूब + 6 की क्यूब से लेकर के 10 की क्यूब किसके बराबर होगा, इसकी दोस्तों में वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों ये है कि हम यहाँ पे 1 की क्यूब से लेकर के 4 की क्यूब तक एडिशनल अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, और क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो हमें इतना ही हिस्सा माइनस भी करना पड़ेगा ताकि मैथमेटिकली चीज वही की वही रहे, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। अब दोस्तों आप मेरे को एक बात हो, अगर मैं माइनस कर दूं इतना पार्ट और यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आप मैं इसको लिख सकता हूँ 1 की क्यूब + 2 की क्यूब से लेकर के 10 की क्यूब, है ना, अब तो एक ही बात है पूरा का पूरा, ठीक है। माइनस क्या करूंगा, वो एक्स्ट्रा हिस्सा जो मैंने इसके अंदर जबरदस्ती जोड़ दिया, अब वो क्यों जबरदस्ती जोड़ा वो अभी पता लग जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है इस तरीके का, अगर हमें सम निकालना हो, क्यूब्स का सम निकालना हो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, तो हम कैसे निकालते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n² n + 1² / 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज है, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, क्या n² (n+1)² / 4, लेकिन फर्क ये है कि इसके केस में n क्या है 10 है, मतलब लास्ट नंबर, नंबर ऑफ जो चीजें ऐड हो रही है, तो नंबर ऑफ चीजें कितने 10, यहाँ पे कितनी है 4, तो यहाँ पे n क्या है 4, तो 4 + 1 यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे n + 1 क्या हो जाएगा 10 + 1 = 11, ठीक है। नीचे जो 4 है वो ऐसे टीज रहेगा, तो नीचे वाला 4 तो आप चाहे कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया 100 * 121 - 16 * 25, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आएगा 2925, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 2925, ठीक है, निकल जाएगा इजीली यार, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12100, और ऐसे ही 16 और 25 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस करके जो आता है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आंसर निकल जाएगा 2925, जो कि आपकी ऑप्शन डी है, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर आ जाता है इस तरह के क्वेश्चन, तो हमें क्या करना होता है, हमें सीरीज को कंप्लीट करना होता है, और कंप्लीशन के लिए हमें जितना भी पार्ट ऐड करते हैं उतना ही पार्ट को हमें माइनस में भी रखना होता है, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमारा आंसर निकल आता है, लेकिन अगर आप ये चीज करने बैठ जाए यार 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, ठीक है, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब फिर उसके अंदर 729, फिर जो है 10 की क्यूब 1000, फिर आप उनको ऐड कर रहे हो तो भी आपका आंसर 2925 रुपये आ जाएगा, लेकिन जरा अगर आप ये वाली टेक्निक लगा दोगे तो थोड़ा सा जल्दी निकल आएगा, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को। क्वेश्चन नंबर 95 फ्रेंड्स, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर कह रहे हैं इफ द प्रॉफिट परसेंट गोट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट क्या होता है दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं, गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, लाभ प्रतिशत जो है वो क्या चीज होती है, उसके अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है जो कि ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से,
उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करके कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो लाभ प्रतिशत है वो निकल आ रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं कि जो लाभ प्रतिशत है वो उतना ही है जितना कि कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, लाभ प्रतिशत उतना ही निकल के आता है न्यूमरिकली जितना कि क्रय मूल्य था, जितना कि कॉस्ट प्राइस था। क्वेश्चन को देखो, दोबारा पढ़ देते हैं। इफ द प्रॉफिट परसेंट गोट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इज न्यूमरिकली इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस इन रुपीस एंड द सेलिंग प्राइस इज 39, और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा कितना, 39 रुपए, तो कह रहे हैं बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। देखो दोस्तों, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक, या तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है कि ऑप्शन में से वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल के देख लें कि कौन से केस में हमारा जो कॉस्ट प्राइस, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इस वाले सीपी को मैं यहाँ ले जाऊंगा तो ये सीपी का स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला 100 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3900 माइनस 100 सीपी। फिर एक इक्वेशन बनाऊंगा इस वाले पार्ट को, राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो यहाँ पे जीरो रह जाएगी, फिर ये हो जाएगा सीपी स्क्वायर प्लस 100 सीपी, क्योंकि माइनस का है ना, उस तरफ जाएगा 100 का हो जाएगा, 3900 प्लस का है तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब दोस्तों ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो मैं इसे सोल्व करके आंसर निकाल लूं या मैं हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लूं, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड को लगा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों हमारे पे चार ऑप्शन है, ए 20, बी 22, सी 28। तीनों को रखने पे बात नहीं बन रही, लेकिन जब आप इसको रखोगे ऑप्शन डी को, यानी कि 30 को रख के देख लो, अभी आपको पता लग जाएगा कि जो 30 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैसे, देखो सेलिंग प्राइस तो मैं दे रखा हूँ 39, कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो ये सारे कॉस्ट प्राइस के ऑप्शन है ना हमारे पास, कॉस्ट प्राइस को 30 रख लो एक बार। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस कितना उठाया हमने, 30 है ना। अब यहाँ पे देख लो जरा क्या निकल के आएगा, निकल के आ गया ये आ गया 9, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 900, 900 के अपॉन में 30 इक्वल्स टू 30, 0 से 0 कट गई, 3 से 90 कट गया 30 पे, तो 30 किसके बराबर आ गया, 30 के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि अब हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो हमारा एग्जैक्टली न्यूमेरिकली कॉस्ट प्राइस के बराबर आ रहा है। 30 रुपए की चीज थी, मैंने 39 रुपए की बेची तो मेरे को 30% का मुनाफा हुआ, 30 रुपए की चीज को मैंने 39 का बेचा तो मेरे को 30% का मुनाफा हुआ इस डील के अंदर, जो कि न्यूमेरिकली मेरे कॉस्ट प्राइस के ही बराबर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अब अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी। एक लड़का है दोस्तों राम, 3 सब्जेक्ट के उसके मार्क्स आए, इंग्लिश साइंस और मैथ, तो कह रहे हैं राम गोट ट्वाइस एस मेनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस। कह रहे हैं कि राम के जो मार्क्स आए, जो नंबर आए, वो इंग्लिश के जो नंबर है वो साइंस के नंबर से डबल है, तो इंग्लिश के नंबर को 2x मान लो और साइंस के नंबर को x मान लो, तो ऑटोमेटिकली हमारे इंग्लिश के नंबर डबल हो जाते हैं साइंस के नंबर से। कह रहे हैं और इंग्लिश साइंस और मैथ, मैथ के लिए हम m लिख देते हैं, ठीक है, तीनों के जो नंबर है सब मिला लें तो राम के 180 नंबर आए हैं, और कह रहे हैं कि जो इंग्लिश और मैथ में जो नंबर आए राम के, उसका जो अनुपात है वो 2:3 है, तो बताओ साइंस में, यानी कि एक समय निकालना है कि साइंस में कितने नंबर आए। राम को विज्ञान की अपेक्षा अंग्रेजी में दुगने अंक प्राप्त हुए, ठीक है, तो एक्स मान लिया, ये दुगना हो गया 2x, अंग्रेजी गणित और विज्ञान में कुल अंक 180 है, यदि अंग्रेजी और गणित में अंकों का अनुपात 2:3 है तो विज्ञान के अंक क्या है, तो विज्ञान के अंक अपने दोस्तों क्या लेट करा है, x लेट करा, तो हमें यानी कि यहाँ पे x निकालना है। ठीक है, पहले हम जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं इंग्लिश में कितने नंबर आए हैं, 2x, तो इंग्लिश की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2x, तो दोस्तों 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से मेरा जो m है, m को मैं इस तरफ ले जाता हूँ और 3 को यहाँ ले जाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ से जो m है वो कितना निकल आता है 3x, मतलब कि जो मैथमेटिक्स में मार्क्स है वो साइंस में मार्क्स जो है उससे 3 गुना अधिक है। ठीक है, कैसे निकली ये बात, ये बात यहाँ से निकल करके आई। ठीक है, अब जरा दोस्तों सारे ऐड कर लो, क्योंकि सारी जो नंबर्स हैं वो x के टर्म्स में है, तो आंसर क्या, मतलब क्या निकल के आएगा यहाँ पे, सम टोटल 6x निकल आएगा, 6x किसके बराबर है, 180 मार्क्स के बराबर है, तो दोस्तों x कितना निकल आएगा यहाँ से, x यहाँ से निकल आएगा 30, इसका मतलब क्या है कि राम के साइंस में 30 मार्क्स आए हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 30, ऑप्शन डी। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन के अंदर कहा होता है कि इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, तो वो थे 2x, यानी कि हो जाते 60।
क्वेश्चन में अगर पूछते कि मैथ्स में कितने मार्क्स हैं तो वो होता 3x, फिर आपका आंसर होता उस केस में 90, ठीक है। पर फिलहाल आपसे साइंस के मार्क्स पूछे तो वो है 30। देखते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चंस को। तो दोस्तों देखते हैं हमारे आखिरी के चार क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 97 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक, ठीक है, जो कि हमारे पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों ये पाई चार्ट हमें यहाँ पे दिखा गया है, ये पाई चार्ट दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन वेरियस ऑक्यूपेशन। तो दोस्तों प्रतिशत की टर्म्स में आपको दिखा रहा है लोग जो है अलग अलग व्यवसायों में जो शामिल है। कुछ लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है दोस्तों, कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ उद्योग में शामिल है, कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन यातायात के कामों में है, ठीक है, कुछ लोग नौकरी करते हैं, सर्विस वाले लोग भी होते हैं, है ना, जो आप लोग भी खोज रहे हैं नौकरी, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 से लेके क्वेश्चन नंबर 100। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 97 के अंदर वो कह रहे हैं हाउ मेनी मोर पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन सर्विस देन इन ट्रेड। व्यापार की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक लोग संलिप्त हैं, ठीक है। दोस्तों हमें मतलब ये पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर कि ट्रेड के कंपैरिजन में, व्यापार के कंपैरिजन में कितने अधिक लोग नौकरी करते हैं। तो दोस्तों कितने प्रतिशत लोग नौकरी करते हैं, 20%। कितने प्रतिशत लोग व्यापार में शामिल हैं, 6.70%, ठीक है। तो कितने अधिक होंगे नौकरी में ट्रेड के कंपैरिजन में, कैसे निकलेगा अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा जो कि परसेंटेज के टर्म्स में निकल करके आएगा कितना, 13.3%, ठीक है। तो 13.3% लोग अधिक हैं नौकरी पेशे में कंपेयर टू दी व्यापार, कंपेयर टू दी ट्रेड। अब दोस्तों आंसर जो मुझे निकालना है वो नंबर्स की फॉर्म में निकालना है। तो 13.3% ऑफ टोटल ना, और टोटल कितने लोग हैं, 20,000। तो 13.3% ऑफ 20,000 निकाल लो तो आपका आंसर निकल आएगा कि नौकरी में कितने लोग अधिक है कंपेयर टू व्यापार। तो 13.3 नीचे 100 लगा तो मल्टीप्लाइड बाय 20,000, 20 से 20 कट गई दोस्तों, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आ जाएगा कितना, 2660, सॉरी रुपीस का साइन लगा दिया मैंने, पैसे याद आ रहे मुझे दोस्तों, 2660 लोग अधिक हैं नौकरी में कंपेयर टू दी व्यापार। वैसे भी यार नौकरी में लोग ज्यादा ही होते हैं, व्यापार की तरफ कम ही जाते हैं लोग, ठीक है, नौकरी के बारे में पहले सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 के अंदर कह रहे हैं बताओ द रेशियो ऑफ द पीपल इन्वॉल्वड इन सर्विस टू दैट इन द इंडस्ट्री। आपको बता रहे हैं कितने लोग सर्विस में है टू दी, कितने लोग इंडस्ट्री में है उद्योग के अंदर है। तो दोस्तों नौकरी पेशे में कितने लोग हैं, 20%। इंडस्ट्री में कितने लोग, उद्योग में कितने लोग शामिल है, 30%। तो दोस्तों अनुपात क्या निकल के आता है, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 0 से 0 कटी तो 2 के बटे में 3, तो कितना अनुपात निकल के आ रहा है, 2:3। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:3, ऑप्शन बी, ठीक है, और जो 2660 था वो भी ऑप्शन बी थी। आंसर यहां पे लिख देता हूं आंसर, क्वेश्चन नंबर 99। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 के अंदर कह रहे हैं बताओ कितना एंगल बन रहा है उन लोगों के द्वारा जो कि नौकरी में शामिल हैं, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि बताओ ये एंगल कितना है थीटा। दोस्तों पूरा एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। अब नौकरी कितने एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, 20% को। अगर 100% पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है तो नौकरी सिर्फ कितनी प्रतिशत लोग कर रहे हैं, 20%। तो दोनों तरफ 5 से आप भाग कर दो तो आपका निकल आएगा कि भाई जो 20% है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 72 डिग्री। इसका मतलब नौकरी करने वाले लोग 72 डिग्री का एंगल बना रहे हैं आउट ऑफ द टोटल, टोटल कितना है, 360। 360 में से 72 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करता है नौकरी को, सर्विस करने वाले लोगों को। क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लगता है जब हम लास्ट क्वेश्चन तक आ जाते हैं ना कि बात खत्म होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 100 के अंदर कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड एंड द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन वेरियस प्रोफेशंस। विभिन्न पेशों में संलिप्त अधिकतम लोगों की संख्या और न्यूनतम लोगों की संख्या में क्या अंतर है। तो दोस्तों हमें देखना है कि
कौन सा ऑक्यूपेशन, कौन सा ऐसा काम है जिसमें सबसे अधिक लोग और कौन सा ऐसा काम है जिसमें सबसे कम लोग, और उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये हमें निकालना है कि मैक्सिमम लोग कहाँ पे हैं और मिनिमम लोग किस काम में हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों सबसे अधिक लोग, भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है, तो दोस्तों सबसे अधिक लोग जो है एग्रीकल्चर कृषि के अंदर इन्वॉल्व है। ओके, तो कृषि के अंदर सबसे ज्यादा लोग शामिल है, कितने लोग कृषि के अंदर इन्वॉल्व है, 33.3%। ओके, सबसे कम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, सबसे कम लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो 6.7%। अब दोनों का जरा डिफरेंस ले लेते हैं कितना निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 26.6%। तो दोस्तों कितना फासला है सबसे अधिक जो लोग शामिल है और जो सबसे कम लोग शामिल है, उनमें जो फासला है वो 26.6% का है। तो 26.6% आप किसके लोगे, 20,000 का, क्योंकि 20,000 इज टोटल नंबर ऑफ पीपल, है ना। तो इसका आप काम करते हैं, इसको जरा पता करते हैं क्या निकल के आएगा, नीचे 100 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 20,000 से, तो 20 से 20 कट गई। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पीछे 10 आ जाएगी और ये हो जाएगा 5,320। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 5,320। क्या है ये 5,320, 5,320 लोगों का डिफरेंस है उस काम में जहां सबसे अधिक लोग हैं मैक्सिमम, और उस काम में जहां सबसे कम लोग हैं उनके बीच का जो फासला है वो 5,320 लोगों का है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करनी दोस्तों बहुत जरूरी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते जाएंगे।